गुड मॉर्निंग, लाइट जलाओ गाइस। अभी सुबह शाम के 5 बज रहे हैं। मेरा फेस एकदम पफी हो गया है, सोस हो गया। मतलब ये तो दिन का नैप था ना, 2 घंटे का चुम्मेश्वरी नैप था। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, पापा से मम्मा ने सडनली डिनर का प्लान बनाया, सो मैं यही पहन के जाऊंगी। ये मेरा आज का चैलेंज है कि मैं नाइट सूट में भी रॉक कर दूंगी। एंड प्रतीक मुझे बहुत तेज डांट रहा है। मैं इसको डांट नहीं रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ एक सिंपल सा लॉजिक। जैसे हम लोग ऑफ्टिंग करते हैं, बाहर जाते हैं ना, वाइल या हफ्ते में एक बार दो बार में फैमिली, तो तैयार होके जाएंगे यार, अच्छे कपड़े पहने। आई अग्री टू योर पॉइंट, ये पॉइंट बोल रहा हूँ, डांट वांट नहीं रहा हूँ। ओके ओके, हाँ ठीक है, जो भी है, आई अग्री टू योर पॉइंट। बट अभी 9:30 बज रहे हैं, 9 बजे पर मेरा रेडी होने का मन नहीं है। एंड आई थिंक मैं इसमें बहुत स्मार्ट लग रही हूँ, और बगल में जा रहे हैं, दूर नहीं जा रहे हैं। मुझे फाइनली चेंज करवा ही दिया अपनी कसम वादे दे दे के। समझदार लड़की है ये, मतलब मैं जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करती। थैंक यू सो मच, इसने बहुत समझाया है, कुछ नहीं पर ठीक है। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने ये आलस, मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने रात के 9:30 बजे कपड़े बदले। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही मतलब 5 मिनट का बस रास्ता है यहाँ से, जो भी हम लोग एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हमारे घर के बगल में एक होटल है। ये लोग जो खाने वाले हैं, मैं तो बिल्कुल सैलेड ही खाऊंगी। देखते हैं गाइस ये क्या सती सावित्री, मैं देखता हूं आज ये कितना खाती कम कितना नहीं खाती। ठीक है, डन। पर तुम उकसाओगे नहीं, उकसाना क्या होगा, मतलब तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। फोर्स कैसे कर सकता हूं मैं। हाँ जी गाइस, क्या हाल है? निशिका मम्मी ड्रेस कैसी लग रही है? हाँ ये तो मुझे बोलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमने वेज प्लेटर ऑर्डर किया था क्योंकि सबका लाइट खाने का मन था। ये था पास्ता, बिकॉज हमें सैलेड मिला नहीं यहाँ पे क्योंकि लेटेस का सीजन नहीं है। पापा चश्मा क्यों उतार देते हैं आप? चश्मा मोबाइल नहीं देखने, नहीं आप उतार क्यों देते हैं वीडियो के आगे? वो तो मम्मी ने बोला हुआ है, ने किया हुआ है, सिस्टम बना दिया मम्मी ने कि आप जब कैमरा चालू होगा तो चश्मा उतारना पड़ेगा। ऐसा क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? इससे बड़ी एज के लगते हैं। तो बड़ा लगना बुरा है क्या? नहीं बुरा नहीं है, नहीं। बड़ा नहीं बूढ़ा लगना बुरा है मम्मी के हिसाब से, क्यों तो बूढ़े कहा है। So guys, we are back. Short सा, cute सा dinner कर लिया हम लोगों ने। कल मैं जाऊंगी शोरूम, और क्यों जाऊंगी, और कल मेरा कुछ वर्क भी स्टार्ट होने वाला है, सो सारी खबर मैं आपको कल दूंगी। सी यू टुमारो, बाय। गुड मॉर्निंग, नॉट अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बट इट्स अ गुड मॉर्निंग स्टिल, बिकॉज मेरा काम स्टार्ट हो गया फाइनली। तोड़फोड़ हो गई है, पर तोड़फोड़ वाला काम प्रतीक कह रहे सिर्फ आज तक ही रहेगा। एंड देख लो मुझे 2 पीपल जा गए हैं। सो गाइस प्रतीक ने मुझे टॉर्नेडो बनाना सिखाया है, मेरा तो नहीं बन रहा है। बन तो रहा है, रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करो, एक घंटा बिल्कुल घंटा दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा, नेक्स्ट डे बात करेंगे। ठीक है डन। बहुत ही ज्यादा वैल्यू हूँ मैं, बिल्कुल। गाइस अभी मैं नहा चुकी हूँ, एंड प्रदीप भी रेडी हो रहा है अंदर, एंड अभी हम लोग शोरूम जा रहे हैं बाहर थोड़े टाइम के लिए। अब ठोका पीटी बंद हो चुकी है, आई होप सारा टूटने फूटने वाला काम आज कंप्लीट हो जाए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा सर दर्द होता है। बट एक चीज है, अगर ये चीज कहीं और यहाँ काम हो रहा होता है, बगल में लोग रहते हैं, आमने सामने आवाजें आ रही होती, तो बहुत दुख होता है। बट जब खुद का काम हो तो उतना दुख नहीं होता है, इंसान बड़ा सेल्फिश होता है गाइस। ठीक है, दो लोग पता नहीं क्या नेगेटिविटी निकाल लेते हैं लोग, तो उनके लिए भी एक छोटी सी लाइन क्लैरिफिकेशन कि दो घर में चूल्हे चलते हैं तो घर अलग हो जाता है। तो गाइस मैं पहले ही बता दूं, मैं ऊपर कोई चूल्हा नहीं लगवा रही, इट्स जस्ट इंडक्शन इलेक्ट्रिकल गैस, जिसमें मैं बहुत ही हल्का फुल्का अपने से रिलेटेड अपना कुकिंग वाला काम करने वाली हूँ, या फिर कभी मुझे वीडियोस चाहिए तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल और प्रेजेंटेबल लुकिंग किचन चाहिए या लुकिंग एरिया चाहिए, तो इसीलिए ये हो रहा है। एंड अगर आपको और डिटेल में जानना है कि मैं ये क्यों बनवा रही हूँ, तो मैंने अपने प्रीवियस किसी ब्लॉग में मेंशन किया हुआ है, तो आप वो जाके दे सकते हो। प्लीज नेगेटिविटी मत फैलाओ, वैसे ही बहुत सारे पंगे हो चुके हैं इस टाइम पे। जो चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। ओके ये देख सकते हैं, काफी बड़ा हो गया। हाँ, अच्छा लग रहा है अभी। हाँ, इसका लुक और अच्छा आ जाएगा, देखना स्क्वायर हो जाएगा। हाँ
उसके बाद गाइज हम लोगों ने फ्रूट्स खाए एंड लीची खाई, मैंने बहुत देख के खानी पड़ी बिकॉज बारिश हो रही है ऑन एंड ऑफ तो कीड़े बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ने के चांसेस है, व्हाइट कलर के कीड़े होते हैं तो देख के खाना। मैं जा रही हूँ एक अच्छी सी कुर्ती लेने के लिए क्योंकि कल है सैटरडे एंड कल हम लोग अपने शोरूम के आगे एक बड़ा मंगल का स्टॉल लगा रहे हैं एंड बहुत सारी चीजें बनवा रहे हैं। प्रतीक क्या बनवा रहे हो? प्रतु बहुत कुछ है गाइस, सबको आना है, जो जो आप आए जो जो आ गए वो आ सकते हैं। हाँ। कल पता नहीं लोग देख के आए, आना चाहिए तो बनवा रहे हैं ना। क्या बन क्या बन क्या है आपका फेवरेट? वेज बिरयानी। वेज बिरयानी सोयाबीन भी डालेंगे। हाँ बिल्कुल बनेगा। सो क्या क्या है? वेज बिरयानी है और शेक है। लेट्स सी आज प्रदीप के कलेक्शन में क्या कमाल धमाल है, देखती हूँ मुझे कुछ पसंद आता है कि नहीं। उसके बाद गाइज मैं शोरूम गई एंड मुझे ये वाली कुर्ती बहुत पसंद आई थी विच इज़ ग्रे कलर एंड इसमें पिंक कलर का थ्रेड वर्क था बट इसमें मेरा साइज़ नहीं था सो आई हैड टू स्किप। फिर मैंने ये वाली भी कुर्ती देखी एंड और भी बहुत ज़्यादा समर कलेक्शन अपडेटेड अगर आया हुआ है, आप लोग समर्स के लिए कुछ ट्रेंडी और कुछ अमेजिंग सा देख रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड विजिट द शोरूम या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो ऑन फैशन सनमो। बहुत सुंदर लग रहा है, हमें आप पहनो ये अच्छी लगेगी। ये मैंने खाना खा लिया है और मैंने सूट भी ले लिया है। मेरे शोरूम के आगे मंगलवार भंडारा लग रहा है एंड मम्मी को कॉल करके और ऋषि को कॉल करके इनवाइट करते हैं कि कल वो प्लीज भंडारे में आ जाए, देखते हैं वो आएंगे कि नहीं। सो लेट्स कॉल देम नाउ। वो मेरी एक बात सुनो। क्या? मेरी एक बात सुनो। बोलो। कल वो है भंडारा, आपको आना है। ओके, कितने बजे आना है? मतलब 11 बजे से लगेगा और मतलब तभी भी आओ 12 एक अच्छा। बजे मतलब 5 बजे तक होगा ना? मैं नहीं आऊंगी 5 बजे तक, लेकिन तुम कब तक होगी? मैं दिन में आऊंगी 1 बजे। ठीक है, 2 बजे तक तो होगी। हाँ 2 बजे तक आऊंगी। और बताओ बेटे? कुछ नहीं, आओगी ना? जैसे बोलो। अरे जैसे क्या बोलो, आना है आपको। ओके, ऋषि के भी चेस। हाँ भाई ऋषि आना। चुप रहो, बोलो, थोड़ी देर आ जाएगा, आधा घंटे का आ जाएगा। मेरा भाई काम चल रहा है। हाँ मेरी किचन में काम स्टार्ट हो गया है। सो गाइज ने बाहर कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है बट आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखना, ये देखो पूरा धूल हो गया है, हर जगह पूरी धूल आ चुकी है। ये देखो मतलब मैं परेशान हो गई, मुझे बहुत सख्त नफरत है एंड दिस इज हाउ आई हैव टू लाइक। व्लॉग को यही एंड करूंगी और स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी गाइस। आई विल कीप कमिंग बैक मोस्ट काइंड ऑफ वीडियोस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय पीपल।